तो आपका पहला सवाल है कि अपस्वर की स्थिति किस दिन को होती है, अपस्वर की स्थिति किस दिन को होती है, तो आपको याद रखना है वो होती है 4 जुलाई को। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। भारत ने अपना पहला उपग्रह है जो अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था, तो आपको याद रखना है यह भेजा था रूस की सहायता से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है मैटसैट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो उपग्रह आर्यभट्ट। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है यह हुई थी वर्ष 1969 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है। पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध है दलित वर्ग से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है काकोरी कांड के नायक कौन थे। काकोरी कांड के नायक कौन थे, तो आपको याद रखना है वो थे रामप्रसाद बिस्मिल। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है भागीरथी नदी पर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है वह अवस्थित है महानदी पर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है यह संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है क्या श्वेत क्रांति का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है गुजरात। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है टमाटर से। ठीक है, टमाटर से संबंध है क्या लाल क्रांति का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है अंडा उत्पादन से। ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित है क्या रजत क्रांति। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है। नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य है जो संलग्न है, तो आपको याद रखना है बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका उत्तर होगा ये सभी ये राज्य है जो नेपाल की सीमा से संलग्न है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो असम की या असम की राजधानी है, तो आपको याद रखना है वो है दिसपुर। ठीक है, दिसपुर है जो असम की राजधानी है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्न में से एक कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो आपको याद रखना है वो है गोवा। ठीक है, गोवा है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो आपको याद रखना है ये अनुसूचियां है 12। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है यह हुआ था वर्ष 1946 में। ठीक है, वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है वह थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है, तो आपको याद रखना है यह चुना गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं।
तो आपका अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में तीन सूचियों का वर्णन है? संविधान की किस अनुसूची में तीन सूचियों का वर्णन है? तो आपको याद रखना है, यह है सातवीं अनुसूची में, ठीक है, सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों का वर्णन है। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है, यह है आठवीं अनुसूची में, ठीक है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची है जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह है पंचायती राज से, ठीक है। तो दोस्तों, आपको 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।